हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रमास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़ा कढ़ी। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप बेसन, ये 6 टेबलस्पून बेसन है, और 1 कप यहाँ पर ब्लेंड किया हुआ टमाटर, ये 2 टमाटर है जिसको मैंने पहले से ब्लेंड कर लिया था। 1.5 कप यहाँ पर मैंने दही लिया है। दो टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 स्लाइस की हुई प्याज, 2 टीस्पून नमक, नमक कम या ज़्यादा अपने पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और मिर्ची कम या ज़्यादा भी अपने पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर पानी ऐड किया था। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ध्यान रहे कि इसके अंदर गुठलियाँ ना रहे। ब्लेंड होने के बाद इसे हम एक दूसरे पैन के अंदर शिफ्ट कर लेंगे जिसके अंदर हम इसे पकाएंगे, और इसे 1 या 2 घंटे तक इसे अच्छी तरह से पकने देंगे हम लो फ्लेम पर, और बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। जब तक हमारी कढ़ी पक रही है हम पकौड़ों की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है, 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, और 1 टीस्पून जितना अनारदाना। यहाँ पर अच्छी तरह से फिर मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे, और इसे फिर अच्छी तरह से मिक्स करके इसे स्मूथ सा बैटर बना लेना है। कुछ इस तरह का बैटर चाहिए हमें। तेल को पहले से गरम कर लिया है यहाँ पर मैंने, और यहाँ पर पकौड़ों को हम तल लेंगे। मीडियम हीट पर यहाँ पर मैं तल रही हूँ पकौड़ों को। हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम यहाँ पर पकौड़ों को तलेंगे। और इसके बाद हम इसे डायरेक्ट कढ़ी के अंदर ऐड कर देंगे। इसी तरह से दूसरे पकौड़ों को तलकर भी मैंने यहाँ पर कढ़ी के अंदर ऐड कर लिया था, और हल्के हाथों से इसे हम इसके अंदर डिप कर लेंगे कढ़ी के अंदर। तड़के की तैयारी करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर जीरा लिया है मैंने, 1 टीस्पून जितना चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टीस्पून मेथी, 1 टीस्पून जितना राई, और यहाँ पर 2 मिर्ची ली है मैंने, सूखी मिर्ची। सारी चीज़ों को अच्छे तरह से सौते कर लेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और इसके बाद इसे हम कढ़ी के अंदर ऐड कर लेंगे। इस तरह से तड़का देना है इसे, और डायरेक्ट कवर कर लेंगे। और यहाँ पर आप फाइनल रिज़ल्ट देख सकते हैं, हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। बहुत ही टेस्टी बनी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।